हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने मल्टी प्रोसेसिंग और प्रोसेसर कपलिंग ये लेकर आई हूँ। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लूज कपलिंग एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम। इसका डिफरेंस बिटवीन आ जाता है एग्जाम में। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग वो है जिसमें हम टू और मोर सीपीयू को एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग इज जनरल टर्म फॉर द यूज ऑफ टू और मोर सीपीयू विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। देयर मैनी वेरिएशन, इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। बेसिक थीम जो डेफिनेशन है, मल्टी प्रोसेसिंग कैन वेरी विद द कॉन्टेक्स्ट, मोस्टली एज अ फंक्शन ऑफ सीपीयू आर डिफाइंड द टर्म। जो मल्टी प्रोसेसिंग जो टर्म है, ये समटाइम्स इसको रेफर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल, इसका ये भी हो सकता है कि जो मल्टीपल कंकरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उनको हम एक साथ चला रहे हैं इन अ सिस्टम, एज अपोज टू सिंगल प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस के क्या अपोजिट। ठीक है, हाउएवर द टर्म मल्टी प्रोग्रामिंग इज मोर अप्रोप्रिएट, ये बहुत अप्रोप्रिएट है। दिस कॉन्सेप्ट विच इज इम्प्लीमेंटेड मोस्टली इन सॉफ्टवेयर, ये मोस्टली सॉफ्टवेयर में होती है। वेर इज मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर में होती है, और जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है ये टू डिस्क्राइब द यूज ऑफ मल्टी हार्डवेयर, मल्टीपल हार्डवेयर और सीपीयू। सिस्टम कैन बी बोथ मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, कुछ भी हो सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, ओनली वन ऑफ द टू, नाइदर ऑफ द टू। तो प्रोसेसर कपलिंग इज अ टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसर कपलिंग है हमारा ये मल्टी प्रोसेसिंग का ही टाइप है। तो नाउ वी कम टू मल्टी प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसर कपलिंग। तो प्रोसेसर कपलिंग में हमारा टाइटली कपल्ड सिस्टम है और लूजली कपल्ड सिस्टम है। तो हम एक एक करके पहले इनको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको इनका डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी। जो टाइटली कपल्ड सिस्टम होते हैं, इसमें द टाइटली कपल्ड सिस्टम जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं, इसमें सीपीयू मल्टीपल सीपीयू होते हैं, मल्टीपल मतलब मोर देन वन सीपीयू, एंड जो कनेक्ट होते हैं एक बस लेवल से, ये बस लेवल से कनेक्ट होते हैं। और दी सीपीए में हैव एसेस टू सेंट्रल शेयर्ड मेमोरी एसएमपी, तो इनका जो एसएस है, जो मेमोरी है, वो एक ही जगह से सब शेयर कर रहे होते हैं। तो दे कैन एसेस अ सेंट्रल शेयर्ड मेमोरी, इसको एसएमपी भी कहते हैं, और मे पार्टिसिपेट इन मेमोरी इन हायरार्की विद बोथ लोकल और शेयर्ड मेमोरी, तो ये मेमोरी शेयर करते हैं। तो द IBM P690 रेगाटा, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ अ हाई एंड सेम्पी। और इसका एक और हायर एग्जाम्पल है चिप मल्टी प्रोसेसर, ऑल्सो नोन एज मल्टी कोर कंप्यूटिंग, इन्वॉल्व मोर देन वन प्रोसेसर प्लेस्ड ऑन सिंगल चिप, सिंगल चिप पे वन प्रोसेसर से ज्यादा, एंड कैन बी थॉट ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टाइटली, सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है टाइटली कपल मल्टी प्रोसेसिंग का। तो मेन फ्रेम सिस्टम विद मल्टीपल प्रोसेसर आर ऑफन टाइटली कपल्ड। नाउ वी कम टू, इसको डायग्राम देखते हैं इसका। ये देखिए टाइटली कपल सिस्टम है, यहाँ पे ये मल्टी प्रोसेसर, फोर सेंट्रल, यहाँ देखिए सेंट्रल स्टोरेज है, इस स्टोरेज को ये सारे, ये जो मेमोरी है इसको ये शेयर कर रहे हैं। ओके, और दीज आर द एप्लीकेशंस, और ये कंप्यूटर सीपीयू, ये सारे सीपीयू यहीं से मेमोरी अपनी शेयर कर रहे हैं। तो टाइटली कपल मल्टीप्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सीपीयू दैट आर शेयर सेंट्रल स्टोरेज, एंड सीपीयू आर मैनेज्ड बाय MVS ESA ऑपरेट सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिस्ट्रीब्यूट अ वर्क अमॉन्ग द सीपीयू सो दैट द मल्टीपल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क है। When system that managed by one operating system fails, entire system fail. अगर इसमें से कोई भी एक CPU fail होता है तो पूरा system ही fail हो जाएगा, क्योंकि ये centralized system. The entire system also needs to be taken down to implement software and hardware changes. However, these systems are easy to maintain. पर यह है कि ये system easy to maintain, लेकिन अगर एक CPU को problem आती है तो पूरा system भी खराब हो जाता है, यही इसकी drawback है। तो इसके बाद हम loosely coupled system लेकर आए। तो लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑफन रेफर्स टू एस क्लस्टर्स आर बेस्ड ऑन द मल्टीपल स्टैंड अलोन सिंगल डुअल प्रोसेसर कमोडिटी कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड वी अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सीपीयू होते हैं उनकी एक लोकल मेमोरी होती है, और
2S clusters are based on the multiple clusters, multiple standalone, single and dual processor commodity. तो ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिनक्स बियोवल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूजली कपल्ड सिस्टम. अब हम इनके डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते. पहले आप डायग्राम देखते हैं लूजली कपल सिस्टम का. यहाँ पे देखिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेट ओवर डिफरेंट मॉड्यूल हैपन बाय एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस. तो यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और ये जो लूजली कपल सिस्टम है इसको ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है एक. एंड डिग्री ऑफ कपलिंग इज लूज, इसमें कपलिंग की डिग्री लूज होती है. और डिग्री ऑफ मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट और मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट भी कम है इसमें. यहाँ पे देखिए प्रोसेसर है, लोकल मेमोरी, इनपुट आउटपुट सी एस कंप्यूट, और ठीक है इस टाइप से है. अब आपको सोच में आ गया तो अब हम डिफरेंस बिटवीन भी करते हैं. तो टाइटली कपल सिस्टम है वो परफॉर्म बेटर एंड फिजिकली स्मॉलर देन लूजली कपल सिस्टम. जो टाइटली कपल सिस्टम है वो छोटा है, फिजिकली स्मॉलर है लूजली कपल सिस्टम से, बट हैव हिस्टोरिकली रिक्वायर्ड ग्रेटर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. लेकिन जब हम इसको यूज़ करते थे हिस्टोरिकली तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता था और बहुत जल्दी भी डिप्रिशिएट होता है, घट कम होता है. और नॉट्स इन लूजली कपल सिस्टम आर यूजली इनएक्सपेंसिव, और जो नॉट है वो इनएक्सपेंसिव है. कमोडिटी कंप्यूटर कैन बी रिसाइकल, लेकिन हाँ उस कंप्यूटर को हम रिसाइकल कर सकते हैं एज इंडिपेंडेंट मशीन अपॉन रिटायरमेंट फ्रॉम द क्लस्टर. लूजली कपल जो है वो इनएक्सपेंसिव है और टाइटली कपल सिस्टम एक्सपेंसिव है. और लूजली कपल सिस्टम को हम रिसाइकल कर सकते हैं जब उसका वर्क हो जाता है एज ए इंडिपेंडेंट मशीन, जब वो क्लस्टर से रिटायर हो जाती है. अब आते हैं पावर कंजप्शन. पावर सबसे एक और कंसिड्रेशन है. तो टाइटली कपल सिस्टम है टेंड टू बी मच मोर एनर्जी एफिशियंट देन क्लस्टर्स. ये ज़्यादा एनर्जी एफिशियंट है अगर हम इसको लूजली कपल या क्लस्टर्स से कंपेयर करें तो. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कंसिडरेबल इकोनॉमीज कैन बी रियलाइज बाय डिजाइनिंग कंपोनेंट टू वर्क टुगेदर फ्रॉम द बिगिनिंग. इसीलिए ये टाइटली कपल सिस्टम हमारे मोर एफिशिएंट है. अब आते हैं लूजली कपल सिस्टम. यूज कंपोनेंट दैट वर नॉट नेसेसरली इंटेंडेड. ऐसे भी कंपोनेंट यूज कर रहे होते हैं जिनकी स्पेसिफिकली कुछ ऐसा स्पेसिफिकली फॉर यूज इन सच सिस्टम. यूज कंपोनेंट दैट नॉट, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो भी यूज़ कर रहे होते हैं. अब हम इनको एक डिफरेंस बिटवीन को हम यहाँ भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे बेसिक. बेसिक में क्या है, टाइटली कपल सिस्टम जो है प्रोसेसर हैव शेयर्ड. मैंने आपको बताया था कि शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं ईच प्रोसेसर, और लूजली कपल में हर प्रोसेसर के पास अपनी ओन मेमोरी मॉड्यूल होती है. और टाइटली कपल सिस्टम है ये हाई स्पीड और रियल टाइम प्रोसेसिंग है, एफिशिएंट है. और ये व्हेन टास्क आर रनिंग ऑन डिफरेंट प्रोसेसर हैज मिनिमल इंटरेक्शन बहुत कम होता है इसमें. और ये एक्सपीरियंस मोर मेमोरी, इसमें मेमोरी कन्फ्लिक्ट होते हैं टाइटली कपल में, पर इसमें नहीं होते लूजली कपल सिस्टम में. नाउ वी कम टू टाइटली कपल इंटरकनेक्शन नेटवर्क. इसमें PIMN, ISIN ये सब इसके एग्जांपल हैं, नेटवर्क्स हैं ये सारे. और लूजली कपल सिस्टम में मैसेज ट्रांसफर सिस्टम होता है, मैसेज पासिंग. और टाइटली कपल सिस्टम जो है उसका डेटा रेट है वो हाई होता है और लूजली कपल का लो होता है. और ये इंटरकनेक्शन था मैसेज ट्रांसफर, उसके बाद है एक्सपेंसिव. टाइटली कपल ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू लूजली कपल, लेस एक्सपेंसिव है. नाउ वी, और यहाँ पे एक डायग्राम है इससे भी आप समझ सकते हैं. ये देखिए लूजली कपल सिस्टम एंड टाइम स्टार्ट. ये जावा पे, जावा में जो लूजली और टाइट कपल होते हैं उस पर लेस इंटरडिपेंडेंसी होती है इसमें, लेस कोऑर्डिनेशन, लेस इन्फॉर्मेशन फ्लो. और टाइटली कपल में मोर इंडिपेंडेंसी, मोर कोऑर्डिनेशन, मोर इन्फॉर्मेशन फ्लो. डेटा स्टैम्प कंट्रोल कॉमन एंड कंटेंट. ये एक और डायग्राम है, ये भी वैसा ही है. इसमें मोर इंटरडिपेंडेंसी है, कोऑर्डिनेशन एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो है. और इसमें लूज कपलिंग में लेस इंटरडिपेंडेंसी, लेस कोऑर्डिनेशन, लेस इन्फॉर्मेशन फ्लो. अब ये एक और है हमारे पास कि कितने फॉर्म होते हैं लूजली कपल कॉन्सेप्ट्स के. तो टाइट में क्या पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन होता है, इसमें मीडिएटर होता है, इसमें सिंक्रोनस होता है. कम्युनिकेशन स्टाइल इसमें असिंक्रोनस होता है. ये कॉमन कॉम्प्लेक्स टाइप्स हैं, ये सिंपल कॉमन टाइप है.
ये स्ट्रांग है, ये वीक है. ये नेविगेट थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स भी हम नेविगेट कर सकते हैं इंटरेक्शन पैटर्न में. ये डेटा सेंट्रिक और सेल्फ कंटेन्ड मैसेज में होता है. और ये सेंट्रल कंट्रोल होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल है. ये बाइंडिंग स्टैटिकली है, ये डायनेमिकली है. ये स्ट्रांग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. ये टू पीसी टू फेस कमिट है और ये कंपनसेशन है. ये साइमल्टेनियस है, ये डिफरेंट टाइम पे. ये एक्सप्लिसिट अपग्रेड है, ये इम्प्लिसिट अपग्रेड है. तो ये था हमारा लूजली और टाइट कपलिंग का. इसका हम थोड़ा सा मैं आपको और एक डिफरेंस बिटवीन बता देती हूँ. जो टाइटली कपल सिस्टम है इसमें शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं, और लूजली कपल्ड में ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी मॉड्यूल. अब टाइटली कपल सिस्टम है, इट एक्सपीरियंसेस मोर मेमोरी. इसमें बहुत कम मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि लूजली कपल में नहीं होता है. उसके बाद टाइटली कपल जो है इसमें इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, जबकि लूजली कपल में मैसेज ट्रांसफर सिस्टम है. टाइटली कपल हाई डेटा रेट है, लूजली कपल लो डेटा रेट है. टाइटली कपल मोर एक्सपेंसिव है देन लूजली कपल इज लेस एक्सपेंसिव. और हमारा जो टाइटली कपल्ड है ये इंटरकनेक्टेड हार्डवेयर होता है, सिंगल स्टोरेज डिवाइस होता है. इफ एनी चेंज तो पूरा सब सफर होता है. और हमारा लूजली कपल्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, इसमें लोकल मेमोरी शेयर नहीं हो रही होती. तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, अगर कोई इंग्लिश टॉपिक है और आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कराना चाहती हैं, कोई स्पेसिफिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर या एमसीए बीसीए का कोई भी रिलेटेड टॉपिक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. और इसके बाद मैं अभी मेमोरी मैनेजमेंट के इसी सब्जेक्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी वीडियोज़ डालने वाली हूँ जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं. अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, पर इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट समझती हूँ इन क्वेश्चन को. तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.